बिहार राज्य के षष्ठम चरण अंतर्गत कुल 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र यथा वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान एवं महाराजगंज में आज दिनांक 25/5/2024 को मतदान संपन्न हुआ है, जिसमें मतदान केंद्रों की संख्या कुल 14,872 तथा मतदान केंद्र स्थलों के कुल संख्या 8,790 है तथा 55.45% निर्वाचकों द्वारा अपनी मताधिकार का प्रयोग किया गया है। अभी तक हम लोग का जो अनुमानित मतदान प्रतिशत है वो 55.45 है। 2019 में कुल मतदान प्रतिशत, अंतिम मतदान प्रतिशत 58.47 था। इस प्रकार अनुमानित हम लोग का जो मतदान परसेंटेज है वो लगभग 2019 का जो मतदान प्रतिशत था उससे लगभग 3% कम है। फिर मैं बता रहा हूँ, मैंने ये अनुमानित फिगर है, ये 6 बजे का फिगर है। अभी भी कुछ मतदान केंद्रों में मतदान चल रहा है, हम लोगों को अंतिम रूप से स्पष्ट चित्रण मिलेगा कल सुबह तक। षष्ठम चरण के 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यरत फ्लाइंग स्क्वाड, SST एवं अन्य एजेंसी द्वारा कुल 2.86 करोड़ नगद जब्त किया गया। इसी प्रकार फ्लाइंग स्क्वाड, SST, उत्पाद विभाग तथा पुलिस द्वारा कुल 3,53,000 लीटर शराब जब्त किया गया, जिसका मूल्य लगभग 9,46,00,000। षष्ठम चरण के निर्वाचन में रिजर्व सहित कुल 17,911 कंट्रोल यूनिट, 17,940 बैलेट यूनिट तथा 19,458 VVPAT का उपयोग हुआ है, जिसमें 46 कंट्रोल यूनिट, 50 बैलेट यूनिट तथा 135 VVPAT मार्क पोल के दौरान बदले गए हैं, जबकि 44 कंट्रोल यूनिट, 44 बैलेट यूनिट, 190 VVPAT मार्क पोल के पश्चात बदले गए हैं। षष्ठम चरण के निर्वाचन में किसी भी आपात स्थिति से निपटने हेतु एक एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी। सामान्य प्रेक्षकों की संख्या 8, व्यय प्रेक्षकों की संख्या 10, पुलिस प्रेक्षकों की संख्या 5, माइक्रो प्रेक्षकों की संख्या 2,134, मॉडल मतदान केंद्रों की संख्या 77, पूर्ण रूपेण महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 62, PWD द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 54, 7,781 मतदान केंद्र से लाइव वेबकास्टिंग किया गया है। षष्ठम चरण में कुल 86 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 78 तथा महिला अभ्यर्थियों की संख्या 8 है। षष्ठम चरण में कुल सामान्य निर्वाचकों की संख्या 1,39,32,165 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 78,23,793, महिलाओं की संख्या 71,07,944 तथा थर्ड जेंडर 428 है। षष्ठम चरण में सेवा निर्वाचकों की संख्या कुल 27,334 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 25,856 तथा महिलाओं की संख्या 1,478 है। षष्ठम चरण में कुल 2 मतदान केंद्र पर विकास के विभिन्न मुद्दों पर मतदान बहिष्कार प्राप्त हुए हैं, एक वाल्मीकि नगर में और वाल्मीकि नगर का नरकटियागंज में बूथ नंबर 272 और 273 में, पश्चिम चंपारण के जिला में 171, पूर्वी चंपारण में 418, शिवहर में 65, सीतामढ़ी में 405, मुजफ्फरपुर में 324, वैशाली में 437, गोपालगंज में 559, सिवान में 582 एवं सारण में 453, अर्थात कुल 3,414 ऐसे मतदान केंद्रों को चिन्हित किया गया जहां अतिरिक्त कमरा अथवा शेड की व्यवस्था नहीं थी। मतदाताओं के सुविधा ध्यान में रखते हुए गर्मी से बचाव हेतु इन मतदान केंद्रों पर शामियाना का व्यवस्था की गई। डेडिकेटेड मेडिकल स्टाफ, क्विक मेडिकल टीम विद एम्बुलेंस, पीने का पानी का व्यवस्था भी की गई थी। वाल्मीकि नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत वाल्मीकि नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा रामनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा निर्वाचन 2019 में मतदान का समय पूर्वान्ह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक निर्धारित था। राजनीतिक दलों एवं अन्य हितधारकों के साथ विमर्श के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विद्यमान गर्मी के प्रकोप को दृष्टिगत उपरोक्त वर्णित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के कुल 693 मतदान केंद्रों में से मात्र 54 मतदान केंद्रों का छोड़कर शेष सभी अर्थात 639 मतदान केंद्रों पर मतदान समय पूर्वान्ह 7 बजे से अपराह्न 6 बजे तक निर्धारित किया गया। इस प्रकार षष्ठम चरण में 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कुल 14,872 मतदान केंद्रों में से मात्र 54 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान संपन्न हुआ। आज मतदान के दौरान कुल 217 शिकायत प्राप्त हुए हैं।
सभी शिकायतों का ससमय निष्पादन कर दिया गया है। आज पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत 11 सुगौली विधानसभा क्षेत्र हेतु सुरक्षित कर्मी के रूप में प्रतिनियुक्त मतदान पदाधिकारी श्री कन्हैया प्रसाद की सुगली रेलवे स्टेशन क्षेत्र में ट्रेन से दुर्घटना से असमाजिक मृत्यु हो गई। शेष कहीं अप्रिय घटना का कोई सूचना प्राप्त नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। इसके बारे में संक्षेप में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे चार जिले बगहा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के करीब 285 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय नेपाल सीमा पर अवस्थित थे। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 136 चेक पोस्ट लगाए गए, जिसमें एसएसबी के बॉर्डर आउट पोस्ट, एक्साइज के पोस्ट और इंटीग्रेटेड पोस्ट शामिल हैं। इसी प्रकार चार अन्य जिलों में करीब 295 किलोमीटर सीमा हमारी उत्तर प्रदेश राज्य से लगती थी, और जिसमें भी हम लोगों ने 57 चेक पोस्ट लगाए गए थे। दूसरी मुख्य चुनौती थी इस अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा के अलावा, वो थी नक्सल प्रभावित वाल्मीकि नगर विधानसभा के 29 मतदान केंद्रों और रामनगर विधानसभा के 25 मतदान केंद्रों। कुल 54 मतदान केंद्रों पर इस बार समय को 4 बजे तक सीमित करते हुए मतदान संपन्न कराया गया। इन सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इसमें पर्याप्त सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई, CAPF की, और साथ ही साथ सैटेलाइट फोन और बम निरोधक दस्ता की भी प्रतिनियुक्ति की गई। तीसरी मुख्य चुनौती भौगोलिक रूप से थी कि कई मतदान केंद्र गंडक, बूढ़ी गंडक, सरयू, बागमती इत्यादि नदियों के सुदूर देरा क्षेत्र में अवस्थित थे, जहाँ के रास्ते दुर्गम हैं। इसमें रिवर पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई। इस हेतु STRF की 10 बोट के साथ 40 जवानों को लगाया गया। स्थानीय तौर पर भी 80 नावों की व्यवस्था की गई। देरा क्षेत्रों में पेट्रोलिंग के लिए 20 अश्वारोही दल की भी डेपुटेशन की गई। इन क्षेत्रों में पहले से भी पुलिस कैंप स्थापित है। इस प्रकार इन दुर्गम क्षेत्रों में भी मतदान शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस 6वें चरण के चुनाव से पहले इन जिलों में असामाजिक तत्वों और अपराधियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की गई। कुल 11,791 गैर जमानतीय वारंटों का निष्पादन किया गया। 68,031 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई के तहत बॉन्ड भराया गया। 1,361 व्यक्तियों पर क्राइम कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक इन जिलों में 299 अवैध हथियारों की बरामदगी की गई और 12,003 अनुज्ञप्ति प्राप्त हथियारों को जमा भी कराया गया। इस अभी तक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के जो 65 मामले आए थे इन क्षेत्रों में, उस पर कार्रवाई की गई है। 6वें चरण में स्वच्छ और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए लगभग 61,800 सुरक्षा बल और 20,800 गृहरक्षक बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। 5,560 वल्नरेबल टोलों की भी पहचान की गई और संदिग्धों की रोकथाम के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट 201 चेक पोस्ट भी लगाए गए। हम लोगों ने लगातार सोशल मीडिया को मॉनिटर किया और लगातार विभिन्न प्रकार से बिहार पुलिस के सोशल मीडिया पर करीब 35 लाख फेसबुक का एंगेजमेंट और ट्विटर पर 13,68,000 इम्प्रेशंस पाए गए। मतदान के क्रम में आज कुल 107 व्यक्तियों को विभिन्न जिलों में निरोधात्मक कार्रवाई के तहत डिटेन किया गया है। इसमें बगहा में 9, पूर्वी चंपारण में 15, शिवहर में 21, सिवान में 42, गोपालगंज में 20 व्यक्ति शामिल हैं। कुल मिलाकर के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। थैंक यू। पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।